हरियाणा के रोहतक जिले की झज्जर चुंगी स्थित विजय नगर की बाग वाली गली में गत 27 अगस्त को बबलू पहलवान परिवार हत्याकांड मृतक के बेटे अभिषेक ने अंजाम दिया था। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के इंचार्ज डीएसपी गोरखपाल राणा ने कहा कि आरोपी से हर तरीके से हर एंगल पर बारीकी से पूछताछ हो चुकी है। वारदात में प्रयुक्त पिस्तौल सहित अन्य चीजें बरामद हो चुकी हैं। अब उससे और कोई पूछताछ बाकी नहीं है। पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद में पहली बार अपना बयान दिया है। पुलिस ने बताया कि अभी बबलू की प्रॉपर्टी उसके खुद के नाम पर ही थी, मगर घर में करीब एक माह से चल रहे झगड़े के बीच उसने कई बार बेटी के नाम प्रॉपर्टी करवाने की बात कही थी। इस पूरी प्रॉपर्टी के बारे में पुलिस ने तहसीलदार को चिट्ठी लिखकर ब्यौरा मांगा है। अभी पुलिस ने वारदात वाले मकान को सील नहीं किया है। खुले मकान से उन्हें आने वाले दिनों में और भी अहम सबूत मिल सकते हैं। पुलिस का इशारा था कि प्रॉपर्टी पर आने वाले दिनों में दावेदारी ठोंकने वालों के चेहरे सामने आ सकते हैं। आरोपित अभिषेक उर्फ मोनू से पूछताछ में पता चला है कि आरोपित ने हत्याकांड की योजना से लेकर उसके बाद कब क्या करना है इसका पूरा खाका तैयार कर रखा था। उसकी योजना थी कि माता पिता और बहन के अंतिम संस्कार तक वह चुप रहेगा, लेकिन इसके बाद जब दूर दराज के रिश्तेदार घर से चले जाएंगे तब वह नई कहानी पुलिस और अन्य स्वजनों को बताएगा। इसमें बताना था कि रोहतक में जान का खतरा है, जिस तरीके से उसके परिवार के सदस्यों की हत्या हुई है ऐसे में कोई उसकी भी हत्या कर सकता है। प्लान था कि योजनाबद्ध तरीके से मकान समेत अन्य सभी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे कर बेच देना है, फिर शहर को छोड़कर अपने दोस्त के साथ जाना है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता वह पुलिस के शिकंजे में आ गया।